एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि मुमकिन है उन्हें भी दो डोजेस लग चुके हो वैक्सीन के। नहीं, कुछ हद तक तो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, और मैं यही कहूंगा कि एम्बुलेंस में और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो इन ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं, चाहे उनकी रिपोर्ट हो या ना हो, आप उनको पॉजिटिव समझे ही और पूरा प्रिकॉशन रखे, अपना मास्क N95 वाला डालें, ग्लव्स डाल सकते हैं, एक सर्जिकल गाउन डाल सकते हो, अगर फेस शील्ड है तो फेस शील्ड डालें जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि अगर जैसे हम पेशेंट्स देखते हैं ओपीडी में या और जगह, आप assume everyone is positive unless proved otherwise. तो आप तभी पूरा ध्यान रखोगे, नहीं तो अगर आप थोड़ा सा भी अपना गार्ड डाउन रखोगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस एकदम बढ़ जाते हैं। डॉक्टर गुलेरिया, टेस्टिंग से भी जुड़े हुए कुछ लोगों के सवाल हो जाते हैं। एक बीच में इस तरह की चीज़ें आई कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो नहीं पकड़ पा रहा है सही कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, गलत रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्या ये रिजल्ट्स गलत थे, क्या ये सैम्पलिंग गलत थी, क्या नए स्ट्रेन की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, या फिर रिजल्ट सही है, ये बस आशंकाएं हैं। तो रिजल्ट सही है, ये आशंका है कि पहले लोगों में ये शक था कि आप जो नया वेरिएंट आ रहे हैं क्या वो आरटीपीसीआर टेस्ट में पिकअप होंगे या नहीं। आईसीएमआर ने इस पे स्टडी करके देखा कि जो नए टेस्ट उन्होंने अप्रूव किए हैं, और उन्होंने काफी ज्यादा किट अप्रूव किए हैं, वो सब के सब जो है वो वेरियंट स्ट्रेन को भी पिकअप कर सकते हैं। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी जो है वो 80% है, स्पेसिफिसिटी ऑलमोस्ट 99% है, यानी कि अगर वो टेस्ट पॉजिटिव है तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो 20% के करीब चांसेस हैं कि आपका जो वायरस है वो इसमें टेस्ट में पिकअप नहीं हुआ, क्योंकि आपका वायरल लोड कम हो सकता है। दूसरा इशू ये है कि कभी कभी ये होता है कि जो सैंपल ले रहा है वो ठीक से सैंपल नहीं लेता, क्योंकि ये जो नेजल स्वैब है ये नाक के बिल्कुल पिछले हिस्से तक जाना चाहिए, कई दफा वो जो सैंपल ले रहा है वो नाक के आगे वाले हिस्से से ही थोड़ा सा सैंपल लेता है, और उसमें वायरस का इनफ मटेरियल नहीं आता है, तो इसलिए वो नेगेटिव आ जाता है। तो सैंपल लेना, सैंपल के ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तब अगर ये ठीक से नहीं होगा तो वायरल टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो ये चीजें समझनी जरूरी है, और इसलिए अगर कोई व्यक्ति है जिसको कोविड के सारे सिम्टम्स हैं, अगर आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है तो वो अपने ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, एक्सरे भी साथ में करा सकते हैं, सीटी करा सकते हैं, और पूरा क्लिनिकल रेडियोलॉजिकल पिक्चर देख के अगर वो डेफिनेटली कोविड लगता है तो अपनी ट्रीटमेंट कोविड की तरह ही करें, और अपना टेस्ट जो है वो फिर से रिपीट कर सकते हैं 24 घंटे बाद, और चांसेस यही है कि फिर टेस्ट अगर कराएं तो पॉजिटिव आ सकता है। डॉक्टर गुलेरिया, आजकल वेट भी टाइम बहुत बढ़ गया है। बीच में ऐसा भी पीरियड आया था जब सेम डे पे भी टेस्ट रिपोर्ट्स आते थे, जब उतना ज़्यादा दबाव नहीं था उस पूरी व्यवस्था पर। तो अब अगर 2 से 3 दिन का समय लग रहा है, उस दौरान अगर कोई व्यक्ति है जिसको ऐसे सारे सिम्टम्स हैं, उसको क्या करना चाहिए, उसे समझ में नहीं आता कि सिम्टम्स हैं, दवाइयाँ कौन सी शुरू करे, दवाइयाँ शुरू करे या नहीं करे, किस हद तक आइसोलेट करे, ऐसे पेशेंट्स को क्या कहेंगे जो 2-3 दिन तक वेट कर रहे हैं अभी अपने रिपोर्ट्स का? तो हमें पहली चीज तो ये करनी चाहिए कि हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो रिपोर्ट्स हैं आरटीपीसीआर की वो 24 घंटे के अंदर मिल जाए, क्योंकि जितने ज्यादा टाइम वो वेट करेंगे व्यक्ति उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो औरों को इन्फेक्शन फैलाएंगे, क्योंकि तब तक वो अपने आप को आइसोलेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि वो पॉजिटिव है। जब एक एरिया में इन्फेक्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा होता है तो हम रैपिड एंटीजन टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, जो आपको फ्रीली अवेलेबल है और जो आपका रिजल्ट 5 मिनट में दे देता है। तो हमने ये देखा है हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, जैसे इमरजेंसी में हम करते हैं, कोई भी पेशेंट आता है हम सीबीनेट टेस्ट करते हैं, जो आरटीपीसीआर का टेस्ट है उसकी रिपोर्ट 2-3 घंटे में आ जाती है, लेकिन हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं जो एक कार्ट बेस्ड टेस्ट है, आपने स्वैब लिया और एक कार्ट एक स्ट्रिप पे डाला, जैसे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, और एकदम आपको 5 मिनट में पता चल जाता है कि पॉजिटिव है या नहीं है। अगर वो पॉजिटिव है तो 100% पॉजिटिव है और आप ये ले सकते हो कि ये पेशेंट जो है ये कोविड का ही है। अगर नेगेटिव है तो फिर आप आरटीपीसीआर टेस्ट कर सकते हो, और हमने ये देखा है कि जब हमारी पॉजिटिविटी रेट इतनी ज्यादा है तो ऑलमोस्ट 50-60% लोग जो हमारे यहाँ आते हैं हम रैपिड एंटीजन टेस्ट से ही पिकअप कर लेते हैं, और उनको आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसके 2 फायदे हैं, एक तो पेशेंट आपका इमीडिएटली इमरजेंसी या कहाँ पे जहां पर भी हो डायग्नोज हो जाता है, उसको हम एकदम आइसोलेट कर पाते हैं। दूसरा, आपका आरटीपीसीआर लैब पे लोड कम पड़ जाता है, क्योंकि जो पॉजिटिव आ गए उनको आगे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे हमने 6-7 महीने पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट बहुत यूज किया था, हमें अब उसकी जो यूटिलिटी है वो फिर से करनी चाहिए,
और ये इसकी पॉजिटिविटी रेट अब अच्छी है, क्योंकि अब हमारे सारे शहर में और कई जगह पे पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है, और इसलिए रैपिड एंटीजन टेस्ट यूजफुल है। तो मैं लोगों को यही कहूंगा कि आप रैपिड एंटीजन टेस्ट ज्यादा यूज करें, उससे आपका डायग्नोसिस एकदम मेजोरिटी ऑफ लोगों में 5 मिनट में ही आ जाएगा। डॉक्टर गुलेरिया, क्या कोविड के सेकेंड वेव में, कोविड 2.0 में हमें अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एक बार फिर असेस करने की ज़रूरत है? क्या हम कुछ अलग प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल इस बार करें? कुछ ज़्यादा सावधानियां इस बार बरतनी ज़रूरी है क्या? बिल्कुल, थोड़ी चीजें हमने पिछले साल में सीखी हैं वायरस के बारे में। और पहली चीज हमने ये सीखी है कि जो वायरस है, जो हम पहले कहते हैं कि सरफेस ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है, वो शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हम पहले बहुत ज्यादा सर्फेसिस को क्लीन करते थे। लेकिन हमने ये भी सीखा है कि शायद एरोसॉल ट्रांसमिशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रूट हो सकता है। कि पहले हम ये कहते थे कि वायरस का ट्रांसमिशन मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कि आप खांसे, आपके ड्रॉपलेट्स बने, जो ड्रॉपलेट का मतलब जो वायरस है वो ड्रॉप्स में है, जो थोड़े बड़े साइज के हैं, 5 माइक्रोन से बड़े, वो ज्यादा दूर जा नहीं सकते, एकदम ड्रॉप कर जाते हैं नीचे जमीन पे या टेबल पे या किसी सरफेस पे, और वो सरफेस को अगर आप छुएंगे तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये भी माना जाता है कि ये जो वायरस है ये छोटे पार्टिकल्स में भी रह जाता है, और वो एरोसॉल है जो 5 माइक्रोन से कम साइज के हैं। ये पार्टिकल हवा में काफी देर तक रह सकते हैं और नीचे ड्रॉप नहीं करते हैं, और क्योंकि हवा में जा काफी देर तक रह सकते हैं, स्पेशली अगर इंडोर एनवायरनमेंट हो, घर के अंदर वाला एनवायरनमेंट हो या किसी ऑफिस का एनवायरनमेंट हो, तो कोई व्यक्ति और वहां पे आए और उसने अगर मास्क नहीं लगाया हो तो वायरस उसको एकदम उसके गले या नाक में उसके सांस के साथ जा सकता है। इसलिए घर के अंदर भी या ऑफिस के अंदर भी या ऐसे माहौल में जहां पे और लोग भी हैं, मास्क लगाना जरूरी है। हम ये भी कहते हैं कि आप डबल लेयर मास्क लगा सकते हो, अंदर एक अपना सर्जिकल मास्क लगाया, ट्रिपल लेयर मास्क, ऊपर क्लॉथ मास्क लगा लिया, जिससे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। अंदर अगर आप हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन जरूरी है, खिड़कियां खुली रखें, मेक श्योर कि हवा जो है वो बाहर जाती रहे, जिससे अगर वायरस हवा में है तो एकदम बाहर चले जाएगा और आउटडोर एनवायरनमेंट धूप में वो मर जाएगा, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो क्लोज एनवायरनमेंट में ना रहें, अगर एसी है, सेंट्रल एसी है, तो उसमें वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, एयर एक्सचेंज अच्छे होने चाहिए, खिड़की खुली होनी चाहिए, जिससे एयर रिसाइकल ना हो और इन्फेक्शन कमरे के अंदर या पूरी बिल्डिंग में ना फैले। ये जो चीजें हैं ये हमें नए सिरे से करनी पड़ेगी। डॉक्टर गुलेरिया, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि पहले यानी पिछले साल जब पहला वेव था, हमने देखा था कि अगर एक भी पेशेंट रहता था उसके बाद घर को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रैक्टिसेस भी खत्म होती गई। अगर एयरबोर्न है वाकई और एरोसोल से इस तरह का खतरा हो रहा है, तो उस पेशेंट के ट्रीट होने के कितने देर बाद तक वहां पर वायरस रह सकता है? क्या अभी हमें दोबारा उस पूरे सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया पे वापस लौटना चाहिए? किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी फ्लैट में अगर इस तरह के केस सामने आए हैं या किसी भी दफ्तर में ऐसे केस आए हैं? किसी दफ्तर में या क्लोज एनवायरनमेंट में ऐसे केस आए जो पॉजिटिव हैं, तो वहां पे वेंटिलेशन ठीक होनी चाहिए, हमें खिड़कियां खोल के रखनी चाहिए जिससे हवा निकल जाए, एसी प्लांट से सर्कुलेशन हो जाए, और उस एरिया को सैनिटाइज या साफ जरूर करना चाहिए। क्योंकि हमें यह पता है कि जो ये वायरस है ये हवा में अब काफी देर तक रह सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। जो आज जो नया जो डेटा आ रहा है कि इट कैन ऑल्सो बी एन एयरबॉर्न इन्फेक्शन और एन एरोसॉल इन्फेक्शन, इसलिए बहुत जरूरी है कि जहां जहां पे पॉजिटिव केस आ रहे हैं, स्पेशली इंडोर एनवायरनमेंट में, वहां पे क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी हो, हवा एक्सचेंज होती रहे, तो उससे फिर इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अगर किसी के घर में भी कोई पॉजिटिव केस है तो अपनी वो खिड़कियां खुली रखें, पंखा चला के रखें जिससे हवा, और दरवाजा खुला रखें जिससे हवा जो है बाहर को चली जाए, उसके बाद वो अपने आप ही एरिया जो है वो हम नहीं हम फ्रेश एयर आने के बाद वो एरिया अपने आप